कुक विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। आज की रेसिपी है इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार। इसे ज्यादातर सर्दी के मौसम में बनाकर खाया जाता है और इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है। तो चलिए देखते हैं घर पे हरी मिर्च का अचार कैसे बनाते हैं। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम हरी मिर्च ली है। ये लंबी वाली मिर्च ली मैंने यहाँ पे, ये वाली। इसे सबसे पहले अच्छी तरह से धोने के बाद पूरा पानी सुखा लेना है, इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, और ये डंठल निकाल लेना है। अब मैं आपको मिर्च काट के बताऊंगी कि इसे किस तरह से काटना है। तो इसे हमें सबसे पहले चाकू से बीच में से चीरा लगाना है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने एक मिर्च को तीन हिस्सों में काटा है, तो इस तरह से मिर्च काट लेना है। मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 6 लौंग, 14 से 15 काली मिरे, 1.5 बड़े चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच मेथी के दाने, 1 बड़ा चम्मच साबित धनिया, 2 बड़े चम्मच राई, स्वादानुसार नमक, 2 पिंच हींग, 3 बड़े चम्मच सिरका, 1/4 कप तेल और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। तो सबसे पहले हम प्लेट में से ये नमक को साइड में रख देंगे और ये जो सारे साबित मसाले इसे हम भून लेंगे। मसाले भूनने के लिए मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके पैन गरम करने के लिए रख दिया है। पैन अच्छी तरह से गरम होने के बाद इसके अंदर डालेंगे सौंफ, काली मिरे, लौंग, जीरा, मेथी के दाने, राई और साबित धनिया। गैस की फ्लेम लो करके अब हम इसे 1 मिनट तक चम्मच लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ी देर में इसके अंदर से खुशबू आने लगती है, तो समझ जाइए कि ये अच्छी तरह से भुने गया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे पीसने वाले हैं। तो इसे हम एक ग्राइंडर जार के अंदर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे एक ग्राइंडर जार के अंदर निकाल लिया है। अब हम इसे दरदरा पीस लेते हैं। मिक्सर को ऑन ऑफ करके इसे मैंने दरदरा पीस लिया है। यहाँ पे अपना मिर्च का अचार बनाने के लिए मसाला बनके रेडी है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम एक बड़े से बोल के अंदर एक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। ध्यान रहे हरी मिर्च के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाला है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 बड़े चम्मच ए मसाला जो हमने अभी पीस के रखा था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ए मसाला डाल दिया है, मिला देंगे। साथ ही साथ हम इसके अंदर डालेंगे हींग, इसे भी मिला देंगे। आप चाहे तो हरी मिर्च के अचार के अंदर 1 छोटा चम्मच अजवाइन भी डाल सकते हैं अगर आप खाना पसंद करते। मुझे यहाँ पे मिर्च के अंदर मसाला थोड़ा सा कम लग रहा, तो मैं इसके अंदर फिर से 1 बड़ा चम्मच ए मसाला डाल दूंगी। तो हमेशा अगर आपको ऐसा लगे कि मिर्च के अंदर मसाला कम है, तो मसाला आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते। तो यहाँ पे मैंने सारे मिर्च के अंदर टोटल 3 बड़े चम्मच मसाला डाला है, इसे भी मिला दिया। और जो हमने मसाला पीस के रखा था, अगर ये बच गया तो आप फिर से जब भी मिर्च का अचार बना रहे तब इस्तेमाल कर सकते, खराब नहीं होता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे विनेगर यानी कि सिरका, 1/4 कप तेल। मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इसके अंदर सरसों का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। मिर्च का अचार बनाने के अलग अलग तरीके रहते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाला अचार आपको दिखाया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे मैंने ये हल्दी पाउडर इसके अंदर डाल दिया है। हल्दी पाउडर डालने के बाद इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। इससे पहले मैंने इंस्टेंट करी का अचार भी बनाया है, उसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी। तो यहाँ पे अपना इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार बनके रेडी है। अब हम ये अचार को एयर टाइट कंटेनर में भर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कांच का जार लिया है। सबसे पहले जार को अच्छी तरह से धो लीजिए, उसे पोंछ लीजिए। ध्यान रहे जार के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये अचार आप इंस्टेंट रोटी, चावल, पराठे के साथ खा सकते, पर अचार के अंदर और भी स्वाद आने के लिए इसे आप 2 दिन तक धूप में रख दीजिए और बीच बीच में इसे चलाते रहिए। आप इसे 1 महीने तक खा सकते हैं। अगर आपको ये इंस्टेंट हरी मिर्च के अचार की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और भी आने वाले अच्छे अच्छे रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।